क्या बोलते थे इसको? नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल उत्तराखंड वाली गुड मॉर्निंग। और जैसे कि अभी सुबह हो गई है, 7 बज रहे हैं और देखो इस तरफ पूरी धूप आ गई, उस पहाड़ पे पूरी धूप आ गई है। और आज सुबह सुबह सफाई अभियान शुरू हो गया है। ये छान छोड़ना से पर रहे। अच्छा इसमें डाल के फिर करते हैं ना? अच्छा 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 वो तो फिर मत ही जो ना। हाँ तो ये जो हमारा उबर है, आज यहाँ सफाई हो रही है क्योंकि ये एसी वाला रूम कहते हैं इसको। यहाँ बहुत ठंडा होता है, ये कच्चा घर है, इसको पूरा खाली कर रहे हैं और आज इसको लिपेंगे। ओ भाई टॉर्च लगा था मैंने तो ये। और पहले इस रूम में ना, पहले रूम में ही रहते थे तो यहाँ अंदर ही किचन रहता था, तो यहाँ पे चूल्हा भी है, यहीं पे खाना बनता था। और ऊपर इस तरह से रहता है ये लकड़ी 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 पूरा। और पहले ना ये लकड़ियाँ बहुत वो जाती है मजबूत, जैसे ना पहले चूल्हे में खाना बनता था तो यहाँ का जो भी धुआं रहता था उससे बहुत आग से तपन से ये बहुत मजबूत रहती थी। ब्लैक हो गई है इसलिए ये काली 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 काली। और ये सारा ना लीपना पड़ता है, ऊपर भी दीवार भी और नीचे भी। मैं अभी अभी आई, मैं दीदी भी अभी एक मिनट, एक मत सुन, दो कमरा था। अच्छा और ये बिहार है, इसमें से कुछ सामान वामान रखने के लिए जैसे ना ऐसे अलमारी टाइप की बना देते थे, ये हो गया और एक इस तरफ बना दिया। और पर इस पूरे रूम में एक ही विंडो है, इस साइड छोटी सी विंडो बना रखी है। और इसकी हाइट भी ना कम होती है, हमेशा यहाँ से ऐसे झुक के आना पड़ता है क्योंकि इनकी हाइट ना दरवाज़ों की हाइट छोटी छोटी रहती है। और एक बाहर भी बना रखा है ये सामान रखने के लिए, दिए भी रखने के लिए ये भी। और एक का तो आपने देख ही लिया, इस तरफ का नानी का, इस तरफ छोटी नानी रहती है उनका है। तो ये भी अंदर से वैसी रूम है। और ये यहाँ पे किचन है, यहाँ पे भी छोटा सा, यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। और पहले ना ये रेलिंग्स नहीं लगी हुई थी, ये भी अभी बनाया है जब हम थे तब, ये इस टाइप यही था और यही था। और यहाँ से पता है मेरी दी है ना, वो यहाँ से छोटे में गिर गई थी, बारिश हो रही थी तो यहाँ पे खड़े थे, शायद ओले भी गिर रहे थे तो ओले पैर में आ गए थे और वो सीधा स्लिप होके ना यहाँ पे गिर गए थे तो उनके लिप्स में भी लग गई थी उस टाइम। ये देख के वो याद आता है। तो ऊपर चलता है, ऊपर देखते हैं क्या है। एक रूम ये था ऊपर, ये और इसके नीचे वाला, तो ये हमारा देवता का कमरा भी था। देखिए भी वैसी है कच्चा अभी भी, यहाँ पर भी सफाई करनी है। यहाँ पर भी ऐसी दो वो बनी हुई हैं और ये देखो झाड़ू रखे हुए हैं, इस तरह के झाड़ू रहते थे। हाँ ये बनाते थे हमें, तो मोंचा नहीं है। हाँ क्या था ये, सट्टी? ना झुंडो। अच्छा और ये देखो यहाँ पे पूरा ये वाली लकड़ी क्यों निकाली और रखी है ऊपर वाली? ये कमर कम से। अच्छा हाँ यहाँ पे कम खाना बनता था, नीचे वाले में बनता था इसलिए, अगर यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे हो जाता। और ये देखो छन्नी, गेहूँ छानने की छन्नी यहाँ रखे हैं, बक्से, पुराने बक्से, लकड़ी के बक्से ही है, वो वाले नहीं है, वो जो होते थे। ये है क्याड़े जिससे आग जल्दी जल जाती है ना, ये वही है, बहुत जल्दी सुपर फास्ट उसमें जलती है इसे। एक ऊपर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे भी झाड़ू है, ये भी ये जो घर में बनाए वाले उस टाइप के झाड़ू ही होते, मम्मी चिपकली ना उस पर। यहाँ पे चूल्हा है और यहाँ थे पहले भगवान जी ना, यहाँ पे देवता रहे, अब उनको नीचे शिफ्ट कर दिया है, पर यहाँ पे भी है अभी भी। उड़ रहा है ना ये धूल आई क्योंकि मम्मी झाड़ू लगा रहे ना, ये देखो उफ। तो ये सारा भाई सांस रुक कर गया। और एक विंडो ये है और ऊपर इस तरह से सेल्फ बना रखे हैं यहाँ पे इस तरह से। और देखो पहले के टाइम के ये स्टोव है, इसमें जलाते थे, मतलब खाना वाना भी बनाते थे, चाय चुई भी। और ये मिट्टी तेल के लिए है, इसमें मिट्टी तेल। और ये है सजला, इस पे ना अंगारे डाल के ना
जैसे पहले बुजुर्ग लोग वो पीते थे तंबाकू। यहाँ जब भी झाड़ू या कुछ मारते थे ना तो इस तरह से पानी डाल दो, मिट्टी में तो धूल नहीं उड़ता और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। वाओ, ये है, इसमें दही डाल के ना इसमें मक्खन निकालते थे, घी निकालते थे, और ये इसके ऊपर का ऐसे स्टिक रहता था। ये देखो, ये ऐसे मेरी नानी इसी से हमको घी बना बना के देती थी सबको। ऐसा था भैया। ये है कुटल, इससे ना खेत में जैसे कुछ भी काम होता है तो इससे करते थे, मुंगरी वगैरह लगाना, बहुत सारी चीजों में काम आता था खोदने के लिए। और ये है थमल, दाती भी बोलते हैं, इसे घास काटते थे तो ये अच्छा लगता है। ये भी मस्त, पेड़ में से लकड़ी काट लो जो मर्जी तो बढ़िया है। और ये है लालटेन, इसमें पहले लाइट नहीं होती थी तो ऐसे करते थे, देखो यहाँ से जलाते थे, इससे घुमाते थे, तो ये भी बढ़िया है। और ये है जंदरू, इसमें ना लकड़ी रहती थी ऐसे, और इसमें वो इसके ऊपर एक और पल्ला भी तो रहता होगा हमें, है ना, एक पार्ट और रहता था उसके, फिर बीच में उसके अनाज रहता था, फिर वो चक्की सा पीसते थे ये, तो इससे हो जाता था, आटा बन जाता था। और ये सारे वो रखे हुए हैं औजार खेती बाड़ी के। और ये है यहाँ पे इस तरह से वो रहते थे, अब तो ये काफी पुराना हो गया है। ये टोकरी होती थी ना उसको ना पूरा ही लीप देते थे इस तरह से, तो ये अच्छी मतलब हो जाती थी मजबूत। झाड़ू तो लग गया है और अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे लिपाई होगी गोबर से, तो ये जो मिट्टी है रेड कलर की होती है ये वाली मिट्टी, और इसमें गोबर डालते हैं मिक्स करके, फिर उसको यहाँ पे लिपेंगे। लेकर आ गए हमें गोबर, मोल बोले, मोल, और गोबर को गढ़वाली में मोल बोलते हैं। इधर मिक्स, इसमें मिक्स करेंगे ना। पानी देखो, पानी कितना आ रहा है, ये टंकी भी भर गई है, सारे बर्तन भर गए, पानी खूब आ रहा है अभी देखो। ये भी तो ये घोल बना दिए हैं और ऐसा कपड़ा रहता है, अब इससे लिपेंगे, इसको पुथिया बोलते हैं, तो मामी लिपेंगे अभी। सो मैंने भी मुंड बांध लिया है, मामी अंदर लीप रही है, मैंने कहा मैं भी थोड़ा ट्राई करूँगी, तो चलते हैं अंदर, पहले मामी को दिखाते हैं फिर मामी से लेके थोड़ा सा मैं भी ट्राई करूँगी। नीचे जो कि जाना पड़ता है भाई यहाँ तो, ये देखो मामी ने तो लीप भी दिया भाई, चलो अंदर। ये देखो मामी ने इस तरफ से सारा लीप दिया है, मामी ऊपर भी लीपना है, नहीं नीचे नीचे ना जहाँ सोएंगे, ये पूरा रूम खाली हो गया ना, यहाँ पे हम चटाई बिछा के मस्त सोएंगे, यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। मामी मेरे को भी देना थोड़ा सा, हाँ डेली डेली मैं लीप दूंगी, डेली मैं लीप दूंगी। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, ट्राई तो नहीं, मैंने पहले बहुत लीपा है, जहाँ हम रहते थे सागर में वहाँ पे भी हमारा आंगन था, वहाँ पे भी लीपते थे, तो गांव आती थी तब भी लीपते थे। तो अभी ये देखो यहाँ से शुरुआत होती है, इसको हटा दो पत्थर। मेरे बुड्ढा जी पहुंच गए हैं सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये देखो मौसम ने करवट ले ली है और बादल गरजने लगे हैं, और मौसम ऐसा हो गया कि बस अभी आती बारिश, ठंडा ठंडा हो गया। वो देखो सूरज छुप गया है बादलों के पीछे, और यहाँ आ रहा है कैक्टस, हाँ कैक्टस लगा हुआ है वो, आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो। आराध्या यहाँ ब्रश कर रही है, और जहाँ हमने लिपा हुआ था यहाँ पे आज अब नाश्ता बन रहा है, रोटी देखो। सो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, मैंने भी नहावा लिया है, अब जा रहे हैं यहाँ एक बिहोल का पेड़ होता है उसके पास,
क्योंकि वहाँ उसके पेड़ से ना उसकी जो डाल होती है उससे ना बाल धोते हैं। तो मैंने कहा आराध्या की हेयर वॉश उससे करूँगी, तो मम्मी को बोला है मम्मी चलो दिखाती हूँ आपको। ये है यहाँ का नेचुरल शैम्पू ब्योल, और इसको मम्मी को बोला मैंने, और मैंने भी कल या परसों देखूंगी, आज तो मैंने धो लिया, मुझे बाद में ध्यान आ रहा है कि मैं भी अपना हेयर वॉश इसी से करती। ये जो ब्योल का पेड़ है ना, इससे पहले तो देखो ये पत्ते गाय खाती हैं, और फिर जो ये कच्चे अगर थोड़े इससे करते तो इससे हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू बनता है, और फिर इसकी क्याड़ी भी बनते हैं, और फिर इसकी रस्सी भी बनती है, मतलब बहुत। ये देखो ये क्याड़ी चार पाए, ये जिससे आग जलाते हैं ना, मैंने दिखाया था ये वो है, और बाकी इसकी रस्सी बनती है, और रस्सी से बनती है चार पाई वगैरह इस तरह की, बहुत यूजफुल होता है ये। ये देखो इसमें झाग बन गया, ये देखो, और ऐसे जैसे एलोवेरा में नहीं होता ऐसे चिकनापन ऐसे, ये भी देखो इसमें ऐसे आ रहा है। यहाँ सारे बच्चे आ गए आराध्या के हेयर वॉश होगा, चलो आराध्या बैठो। हर गंगे आराध्या का देखो, आराध्या पूरी पहाड़न बन रही है भाई, आराध्या का हेयर वॉश हो रहा है। ये बोल ये टेकूटी करने फिर मुंडम लगाना न्यान बाल मुंडम ठंडी पड़ी रहे बाल लंबा भी उन और बाल भी नहीं झड़ते। अच्छा तो आराध्या के बाल धुल गए हैं, अब एक बार अच्छे से नहाएगी ना तो अच्छे से और वॉश हो जाएंगे। यहाँ आ गई अब पल्लवी की बारी, तो नाश्ता नुश्ता करने के बाद फ्री हो गए हम, और अभी 11 बज रहा है, सारा काम हो गया, ऐसे लगता पता नहीं दिन के 1:30 बज रहे हैं, बट 11 बज रहा है अभी। तो हमने बनाया है दूसरा पानी, और ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन का देखो हैंड पे टूट गया होगा ना, तो ये लकड़ी को ज्वाइंट करेगा, कितना अच्छा तगड़ा जुगाड़ कर। तो ये जो लीपा था ना ये ऑलमोस्ट सूखी गया है, कहीं कहीं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो हम इस पर ये बाल बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर दरी बिछा के यहाँ आराम रेस्ट करेंगे बिना पंखे के, यहाँ पे इतना ठंडा रहता है। देखो ये देखो पूरे रूम में तिरपाल लगा दिया, तिरपाल क्या है एक प्लास्टिक सी है ना वो लगा दिया, उस तरफ चूल्हा है तो उस तरफ चूल्हे को ढाक देंगे, और बस आराम से यहाँ पे लेटेंगे। डाकू कौन आ रहे हैं हमारे यहाँ भाई? हेलो डाकू जी, क्या हाल है? आ गए मेरे मामी मामा, ओ भाई सामान वामान लेके, शाबाश शाबाश, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाँ बढ़िया बढ़िया, आ जाओ भाई अंदर, नमस्ते कर लो, बाहर तो धूप हो रहा है। तो आज लंच में बना है हमारे यहाँ खिचौड़ी, ये क्या है चचिंडी की खिचौड़ी, यहाँ सब बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ पे लगा दिया पंखा ताकि हवा भी आता रहे क्योंकि गर्म हो रहा है अभी तो बहुत ज्यादा, यहाँ भी पंखा चल रहा है, और हम बच्चा पार्टी यहाँ खा रहे हैं। ये दो तो ये खिचौड़ी नहीं खाएंगे, तो इनके लिए बनाया है दाल भात, और यहाँ अंजलि खा रही है। सो गुड इवनिंग, सो के उठ गए हैं, चाय वाय हो गई है, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, गांव के लोग कोई ना कोई आ रहा है मिलने, तो सब वहीं पे बैठे हुए हैं। देखो अभी कोई आए हैं, नानी लगते होंगे वो, तो वो और बाकी दिन में तो गर्म है भाई, बाकी अभी इस टाइम तो थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे शाम होते जा रही है तो फिर मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा लग रही है, और ये बच्चे तो भाई दिन से ही जैसे ही 5 बजे उठे थे ना तब भी 5 बजे भी घाम रहता है, ये 5 बजे से ही कह रही थी कि मम्मा बाहर जाने दो बाहर जाने दो, तो उस टाइम तो नहीं जाने दिया, पर ये देखो हेलो बोल दो फिर से, लो भाई मिठाई खाओ, तो बड़े मामा और मिठाई लेकर आए, लो मामी उठाओ उठाओ मिक्स मिठाई, और यहाँ पे कट रही है सब्जी, आज हमारे यहाँ बनेगी भिंडी, भिंडी की सब्जी। मामी और आज ज्वारपा के लिए गए थे तो वहाँ से सिंदूर लेकर आए, चलो जय ज्वारपा माँ। तो अभी हम लोग आ रखे हैं छत में, यहाँ अभी हमने झाड़ू मारा है, और अब यहाँ पे पानी से इसको वॉश करेंगे, और आज हम यहीं सोएंगे छत में। और ये देखो सामने ना सतपुली इस तरफ है, सतपुली के बाजू में ही ऊपर एक नौ गाँव है शायद, उसके ऊपर साइड ना कहीं आग लगी हुई है, देखो अभी तो काफ़ी बड़ी हो रखी थी, अब शायद बुझा भी दी होगी शायद ना,
क्योंकि पूरा राउंड बना हुआ था ये। सुनो तुम, ये आग खुद से लगी है या फिर लगाई है इसे? लगाई है। हाँ लगाई है, क्योंकि जो न्यू ग्रोथ आए कि क्या बोलते हैं कुछ आएंगे न्यू, तो उसके लिए आग लगाई है। क्यों तोड़ नहीं सकते? नहीं, आग लगाना अच्छी बात है क्या? नहीं तो आग लगाने से क्या हो रहा है? ये इतनी सारी जगह यहाँ पे शेर जो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ना सारे जंगल कट रहे, बिल्डिंग्स बन रही है, घर बन रहे हैं, इसलिए वो हम पे हमला कर रहे हैं। हाँ सही बात है, इसलिए वो इधर उनको वहाँ कुछ मिल नहीं रहा जंगल में खाने के लिए, इसलिए वो हाँ। गांव की तरफ आ रहे हैं ना। एक एक पता है, एक मैंने फोटो देखी थी कि वो टीचर ना उनमें पढ़ा रहे थे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, और खुद पेड़ काट के उसमें बैठे हुए हैं। हाँ। अरे आप कुछ बोलना चाहोगे? पेड़ क्यों काटते हैं ये लोग? पेड़ क्यों काटते हैं? इन्हें कुछ मिलता है पेड़ काटने से? मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी, उससे वो फर्नीचर बनवाते हैं, पेपर बनाते हैं। पर थोड़े थोड़े काटने चाहिए, वैसे आप नहीं काटने चाहिए, पूरा जंगल नहीं काटना चाहिए। रात का डिनर है, ये भात था, इसे फ्राई किया है, ये है भिंडी की सब्जी, ये है मटन, और यहाँ पे बैठ के सब खा रहे हैं, वहाँ मामा जी और यहाँ दोनों मामी बना रहे हैं रोटी। कैसा लग रहा है रोटी बनाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है? बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। शाम को तो अच्छा हो जाता है ना ठंडे ठंडे में, तो मामी और दोनों यहाँ पे रोटी बना रहे हैं और सब गर्म गर्म रोटी खा रहे हैं। वहाँ दादी बैठी है, अंजलि इधर बैठ जाओ ऊपर। गाइस फिर से लग गई है आग उधर की तरफ, और इधर बुझ गई है, और इस तरफ देखो पूरा टॉप टॉप में ना जो आउटलाइन सी नहीं होती माउंटेन की, वो देखो पूरे पहाड़ों के बिल्कुल बॉर्डर लाइन में आग लगी हुई है। गुड नाइट। अरे सर सुबह ठंड। ये गुड नाइट।